क्या आप भी 2024 में BCA की मोस्ट डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो भी CUET के थ्रू? तो कौन से हैं वो CUET के अच्छे कॉलेजेस जहां से आप BCA इन साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं? क्या है इन कॉलेजेस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या रहेगा CUET का एग्जाम पैटर्न इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने का? तो अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो BCA फंडा द सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 7 CUET BCA साइबर सिक्योरिटी कॉलेजेस के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएसएस में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को। तो स्टूडेंट, सबसे पहला ऑप्शन BCA साइबर सिक्योरिटी करने का है हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कि चेन्नई में है। तो यहां से आप BCA साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं CUET एग्जाम देके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपने 12th पास की होनी चाहिए या फिर 10+3 ईयर्स डिप्लोमा फॉर्मेट आपने किया होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और इसके साथ साथ मैथ्स हो गया, स्टेटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और अगर हम CUET के एग्जाम पैटर्न की बात करें कि कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज करने होंगे इस कॉलेज को टारगेट करने के लिए, अगर आप यहाँ से BCA साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हैं तो आपको डोमेन सेक्शन यानी कि डोमेन टेस्ट सेक्शन 2, उसमें कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस सिलेक्ट करना होगा। इसके बेसिस पे आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं BCA इन साइबर सिक्योरिटी करने के लिए। सेकंड यूनिवर्सिटी जहां से आप BCA साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं CUET एग्जाम के बेसिस पे 2024 में, वो है जैन डीम टू बी यूनिवर्सिटी, जो कि बैंगलोर में है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 12th आपने पास की होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से विद मैथ्स, स्टेटिस्टिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। और यहां पे अगर हम CUET के एग्जाम सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहां पे भी आपको डोमेन टेस्ट देना होगा, सेक्शन 2 में आपको सिलेक्ट करना होगा कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। तीसरा बेस्ट ऑप्शन BCA साइबर सिक्योरिटी करने का CUET 2024 के थ्रू है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, जो कि नोएडा में है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 50% मार्क्स आपके आए होने चाहिए 4 रेलेवेंट सब्जेक्ट्स इन 12th में। इसमें इंक्लूडेड होने चाहिए इंग्लिश एंड मैथ्स। मैथ्स में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मल्टीमीडिया एंड वेब। तो आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है। और CUET के एग्जाम पैटर्न की बात करें कौन सा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज करने होंगे, तो यहाँ पे आपको सेक्शन 1 में इंग्लिश लैंग्वेज और सेक्शन 2 यानी कि डोमेन टेस्ट में मैथ्स और कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करने होंगे, तब आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं BCA साइबर सिक्योरिटी करने के लिए। फोर्थ बहुत ही अच्छा ऑप्शन BCA साइबर सिक्योरिटी करने के लिए है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, जो कि देहरादून में है। यहाँ मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। 12th आपने पास की थी विद मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी और 45% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। और यहाँ पे CUET का जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया वो बहुत ही सिंपल है, सेक्शन 3 केवल आपको सिलेक्ट करना होगा जनरल टेस्ट। इसके बेसिस पे आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं फॉर BCA साइबर सिक्योरिटी। अब फिफ्थ नंबर पे जो ऑप्शन है BCA साइबर सिक्योरिटी करने का, वो है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि जयपुर में है। यहाँ पे भी आप CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं BCA साइबर सिक्योरिटी में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, 12th आपने पास की होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। और CUET का जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया है वो भी बहुत ही सिंपल है, आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट। तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं BCA साइबर सिक्योरिटी के लिए। CUET का नेक्स्ट कॉलेज जहाँ से आप BCA साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं वो है CT यूनिवर्सिटी, जो कि लुधियाना में है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th आपने पास की होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, इंग्लिश आपके पास मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, 50% मिनिमम मार्क्स आपके पास आए होने चाहिए। CUET के जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सिलेक्ट करने होंगे इस कॉलेज को टारगेट करने के लिए, वो है सेक्शन 1 में आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा और सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट। इसके बेसिस पे आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं फॉर BCA साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा कॉलेज BCA साइबर सिक्योरिटी करने के लिए है SRMU लखनऊ, यानी कि श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है। यहाँ से आप BCA साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं 2024 में CUET के थ्रू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, 12th आपने पास की होनी चाहिए विद मिनिमम 45% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 40% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्राइटेरिया के CUET की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दो सेक्शन सिलेक्ट करने होंगे, सेक्शन 1A इंग्लिश लैंग्वेज और सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट में आपको कोई 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में से। तो इनको अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आप SRMU लखनऊ को टारगेट कर सकते हैं फॉर BCA साइबर सिक्योरिटी। तो स्टूडेंट्स, सच में अगर आप बहुत पैशनेट हो साइबर सिक्योरिटी फील्ड को लेके, इसमें आगे करियर बनाना चाहते हो,
तो जरूर आप BCN साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो और CUET के थ्रू इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द हम लेके आएंगे BCA फंडास बाय संस्थान पे एक और ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।